हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो ये गवर्नमेंट जॉब है। सबसे खास बात यह है कि इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और बाकी सभी ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे किस्म की वैकेंसीज हैं और इस तरीके से सभी ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसमें खास बात ये है कि इसकी फॉर्म फिलअप डेट पहले स्टार्ट हो चुकी थी 14 दिसंबर 2019 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट लास्ट डेट 13 जनवरी 2020 थी, जिसे बढ़ा के 20 जनवरी 2020 तक कर दी गई है। तो जिन कैंडिडेट्स की ये मिस हो गई है भरने की डेट, वो भर सकते हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि एक्सटेंडेड डेट इज़ नाउ 20 जनवरी 2020। मैं इसके बारे में और जानकारी दूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो दैट आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एक लाइक दे दें इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ कि किस टाइप के पोस्ट हैं और क्या वैकेंसीज हैं और क्या क्वालिफिकेशन है। जैसा मैंने कहा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, आईटीआई और डिप्लोमा सभी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या वैकेंसीज मिलती हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, सैलरी पे स्केल की बात करें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की है। क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल। आगे असिस्टेंट मैनेजर 50,000 से 1,60,000, इसके लिए बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और काफ़ी सारी चीज़ें, अलग क्वालिफिकेशंस भी चल रहे हैं इसमें। इसी तरीके से आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज दिख रहे हैं हमें। असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। तो बेसिकली ये बीई, बीटेक वालों के लिए है। इसके आगे आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सो ये जूनियर इंजीनियर्स का सेक्शन है। इसमें भी बी बी टेक मोस्टली दिख रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा भी चलेगा। मोस्टली यहाँ पर मुझे डिप्लोमा नज़र आ रहा है शुरू से ही, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं। तो सेक्शन बी में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन काफ़ी होगी। इसमें पे स्केल दे रहे 37,000 to 1,15,000 रुपीस तक की पे स्केल है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पे स्केल है जूनियर इंजीनियर रैंक पे भी। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या बीए, बीएससी के लिए भी है। यहाँ नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोग्रामर में बीसीए, बीएससी का इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी मैथ्स या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन भी है एलिजिबल। लीगल असिस्टेंट, तो एलएलबी के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए 3 to 4 years ग्रेजुएशन कोर्स इन एनी डिसिप्लिन। तो ये काफ़ी अच्छा है कि किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन की हुई है 3 या 4 साल की, तो आप कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट बन सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 35,000 से 1,11,000 तक के पे रेंज में, आप पे स्केल की रेंज में आप आ सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो बीकॉम के लिए भी हैं। बीकॉम या इक्विवेलेंट के लिए है, अकाउंट असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट के लिए भी, बीएससी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे क्वालिफिकेशन एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स। इन सारी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके साथ बी, बीटेक, डिप्लोमा तो चल ही रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि बीएससी भी चल रहे हैं। बीएससी के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की, मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन की, मेंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक की। सेक्शन सी में चले आते हैं तो पे स्केल यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। असिस्टेंट मैनेजर 50,000 से 1,60,000 और बी, बीटेक एटसेट्रा की ज़रूरत है। इसके अलावा सेक्शन डी में अगर हम चले आते हैं तो सेक्शन डी में है जूनियर इंजीनियर 37,000 से लेकर 1,15,000 तक की पे स्केल है यहाँ पर। और जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स, वो स्क्रॉल डाउन करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि बीएससी, बीए, बी, बीटेक सबके लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है। इस काफ़ी ध्यान से पढ़ने से आपको बीए ग्रेजुएट्स के लिए भी
डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए भी जर्नलिज्म, लॉ, लीगल सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो खास बात यह है कि पहले इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 13 जनवरी थी, लेकिन अभी बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं चल पाया था वो अब भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसकी वेबसाइट एटसेट्रा सारी डिटेल आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आई हुई है एक्सटेंडेड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। होप ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा, आप सभी को बेस्ट विशेस, धन्यवाद।